हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की स्टॉक के बारे में। स्टॉक की करंट प्राइस की बात करेंगे तो 3280 की करंट प्राइस चल रही है। आज के दिन में स्टॉक में लगभग 8% की शानदार सी तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में बढ़िया सा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 3120 का एक मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, जहाँ पे स्टॉक आने के बाद मल्टीपल टाइम यहीं से हमें स्टॉक में रिजेक्शन देखने को मिल रहे थे। आज के दिन में फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है, सस्टेन भी करते हुए दिखाई दे रहा है। तो पॉसिबिलिटी जताई रहेगी स्टॉक में फर्दर यहाँ से तेजी आने दिनों में देखने को मिल सकती है। आज के दिन में ब्रेकआउट सस्टेन का वेट करना है। ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है यानी कि 3120 के ऊपर कैंडल सस्टेन करके क्लोजिंग दे देती है, तो फर्दर स्टॉक में काफी अच्छी तेजी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, अगर से प्रॉफिट बुकिंग कल या परसों आ भी जाती है, तो जो पहले यहां पर रेजिस्टेंस जोन था वो यहां पर अब जो है सपोर्ट जोन बन जाएगा। तो यहां पर फॉल करेगा तो सपोर्ट लेके ऊपर की ओर इसके अंदर हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में अगर एमएसडी इंडिकेटर की बात करेंगे, तो एमएसडी इंडिकेटर में भी बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला। जीरो लाइन के ऊपर ग्रीन बार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मजबूती के सिग्नल दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा ही है स्टॉक में यहां से तेजी ऊपर की ओर बाउंस कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे की सारी डिटेल आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अब चलते हैं टिकरोटे वेबसाइट पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की। परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो देखने को मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, मतलब आप यहां से एंट्री ले सकते हैं क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है एज पर टिकर टेप वेबसाइट। और अनदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे नो रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री का प्लान करते हैं, तो एक बार जरूर नो रेड फ्लैग चेक कर ही उसमें एंट्री का प्लान करें। देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 10,768 CR का देखने को मिलता है। स्टॉक में मॉडरेट रिस्क देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग की। एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। 12 एनालिस्ट हमें यहाँ पे 58% बाइंग की सलाह दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी सलाह, हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिए जल्दी स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी, काफ़ी अच्छा बाउंस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम पीएस की। पीएस के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, आरती इंडस्ट्रीज, विनिधि ऑर्गेनिक्स, ठीक है दोस्तों। और अगर हम प्राइस कंपेरिजन की बात करेंगे तो सेक्टर वाइज सारे स्टॉक में एक स्टेबल सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उम्मीद करता हूँ दी गई सारी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री अपस्टॉक्स की जो है डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।